बोरा जी यहाँ पर लोगों से हालातों के जायजा ले रहे हैं, स्थितियों की समीक्षा कर रहे हैं। हम यहाँ अंदर जाके बात करेंगे उनसे, क्या उनका कहना है स्थिति को लेकर। जी भाई साहब, बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने हालातों की यहाँ पर समीक्षा की, अपने हालातों को देखा, क्या स्थिति है, क्या जैसे तैयारियाँ क्या है इसको लेकर? आपने देख ही लिया ना, सब लोगों को गाँव में से निकाल के इवैक्यूएट करके सड़कों पे एक बार तो टेम्पररी रख दिया है। खाने का इंतजाम हो रहा है, 1 बजे तक खाने का इंतजाम हो जाएगा लोगों को, सबको खाने का इंतजाम, पानी के टैंकर आ गए, पानी के पीने की व्यवस्था हो गई है। SDRF यहाँ पर है, किसी को गाँव में से निकालना है तो बोट चली रही है। जो भी कोई बीमार व्यक्ति है जिनको गाँव में से निकालना है वो SDRF की टीम आ चुकी है, SDRF की टीम अपना काम करेगी। और अभी मैं गांव का खुद में जाके जायजा लूँगा, वहाँ पर और क्या व्यवस्था करनी है, माकूल व्यवस्था कर दी जाएगी। क्योंकि ये 2 साल पहले भी आया था, तब भी हमने अच्छी व्यवस्था करी थी और अभी भी कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहेगी। सबको बुला लिया, अभी यहाँ पर बैठ के 1 घंटे में सब व्यवस्था। भाई साहब, राजा खिला के ये बसई गहराम से नीचे जाके यहाँ लगभग आधा दर्जन गाँव का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है। ऐसी ही स्थिति इधर बूढ़ा घाट की तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ भी यही हालात है। तो आपने वहाँ की भी समीक्षा करी है, वहाँ भी आप होकर आए हैं सुबह ही सुबह, तो वहाँ आपने क्या स्थिति देखी? वहाँ पर भी यही स्थिति है, पानी काफ़ी है और अभी तो पानी और चढ़ेगा। अभी तो मेरे ख्याल से अनदर 5 से 1 घंटे में 1 से 1.5 मीटर पानी और चढ़ेगा, क्योंकि जो पार्वती नदी जहाँ से आ रही है मध्य प्रदेश से, उसमें पानी अभी तक कम नहीं हुआ है। मेरी अभी कोटा बात हुई थी चीफ इंजीनियर साहब से, उन्होंने कहा था अभी कमी नहीं हो रही है, अभी तो पानी जितना है उतना ही चल रहा है। जब तक उन नदियों में पानी कम नहीं होगा, जब तक कि यहाँ स्थिति सुधरेगी नहीं। इट में टेक 2 दिन और लगेंगे स्थिति सुधरने में, 2 दिन का कम से कम समय लगेगा जब तक ये बारिश का दौर थमेगा नहीं, क्योंकि सब पानी मध्य प्रदेश का आ रहा है। मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं वो उफान पर हैं, वो पानी यहाँ पर आ रहा है। अभी तो हमारा सिर्फ कोटा बैराज खुला है, हमारे 2-3 बराज तो अभी खुले ही नहीं, वो तो सिर्फ 70% कैपेसिटी पे हैं, तो वो तो कोई खुले ही नहीं। उनका हमें डर नहीं है, डर हमें ये है कि वो जो मध्य प्रदेश से पानी आ रहा है वही इतना विकराल रूप लेके चंबल में इस बार आया है बहुत सालों बाद, तो इसलिए हमारे को ये परेशानी आ रही है। ये परेशानी का तो हमें सामना करना पड़ेगा और हम कर भी रहे हैं, कोई इसमें इशू नहीं। जो लोगों की व्यवस्था है वो हम यहाँ खुद बैठा हुआ हूँ, मैं इसीलिए कर रहा हूँ। 2 जगह में हो आया हूँ, 1 जगह मेरे को और जाना है, बूढ़ा घाट पे भी जाऊँगा। अभी मैं नाव से दौरा करूँगा, मैं वेट कर रहा हूँ नाव आने का। नाव से दौरा करने के बाद स्थिति का आकलन हो जाएगा, उस हिसाब से माकूल व्यवस्था कर। चंबल का पानी 143 मीटर से ऊपर चल रहा है और अभी भी बढ़ने के आसार हैं। ये सुबह 7 बजे का लगभग अपडेट है 143 मीटर का। तो अभी जैसे पानी बढ़ेगा उसको लेकर और भी तैयारियां करनी है, अभी जो है प्रशासन को भी इसके लिए अलर्ट रखना होगा। हालांकि प्रशासन कल से ही मुस्तैदी के फॉर्म में यह काम कर रहा है, काफ़ी अलर्ट मोड पर है राजाखेड़ा का उपखंड प्रशासन। धौलपुर जिला कलेक्टर खुद स्वयं मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं, हालातों की जायजा ले रहे हैं, पल पल पर प्रशासन के टच में हैं और फोन पर भी बातचीत चल रही है। उसको लेकर फिर आगे का क्या जैसे प्लानिंग है इस चीज़ के बारे में? तो 2 दिन लगेंगे, 2 दिन तक हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। 2 दिन के बाद अपने आप, उम्मीद ये है 2 दिन के बाद पानी अपने आप रिसीड कर जाएगा, 2 दिन की बात है। तो 2 दिन तक जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, इसीलिए वो व्यवस्था कर देंगे, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं आने देंगे। अभी तक खाना नहीं आया, 1 बजे तक खाना आ जाएगा, ऑर्डर कर दिया है, खाना आ जाएगा 1 बजे तक, खाने और पीने की व्यवस्था हो जाएगी। और यहाँ पर एक लाइट की व्यवस्था और करनी है, अभी मैंने कह दिया है AEN को, शाम तक एक लाइट की व्यवस्था और हो जाएगी जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं।
पानी की भी व्यवस्थाएं, जैसे कि अभी हमने देखा टैंकर जो सप्लाई कराए जा रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था कहाँ से जो है उनका प्रबंध किया गया है? वो तो नॉर्मल प्रोसेस है, ये वीडियो को कह दिया नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ कभी पानी की लाइट नहीं आती तो भी तो टैंकर आता है, इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, इसमें ऐसा कुछ नहीं। मेन व्यवस्था हमें जो करनी है वो खाने की करनी है और मीठे पानी की करनी है, वो टैंकरों से सप्लाई हो रहा है और ये हो रहा है। अब वहाँ आगे हमें गाँव में देखना है कि क्या क्या उन लोगों को व्यवस्था चाहिए। अंधेयारी की तो व्यवस्था हो गई, और तीन चार जो गांव हैं वो अभी बोर्ड से जाके वो एक बार देख लेंगे, मैं और एसडीएम साहब जाके, कि क्या क्या व्यवस्था करनी है, वो भी बोर्ड से लेके हमें सामान जाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है सामान लेना। आगे क्या जैसे निर्देश किया है प्रशासन को इसके बारे में, कोई अलर्ट, और लोगों को आपके मतलब अपने माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि क्या है यहाँ पर काफ़ी लोगों का, कुछ लोग क्या हमने देखा है कल से अभी तक पानी को देखकर कुछ लोग सेल्फी लेने के लिए तैयार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रिस्की है। फर्स्ट में कभी भी इस चीज़ की कोई मतलब पुष्टि नहीं करता कि नहीं आप सेल्फी लीजिए, क्योंकि तो प्रशासन का सहयोग करना ही हमारी प्राथमिकता है इस समय, तो उसको लेकर सर आप जो है लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पानी से दूर रहें, और क्या कहना है यार, पानी से दूर रहें, पानी के पास बिल्कुल नहीं जावें, अपने जो सेफ स्थान है ऊपर सबने अपनी अपनी पन्नियाँ डाल ली हैं, पिछली बार भी पन्नियाँ दी थी, कुछ पन्नियाँ भी प्रशासन ने और दी, अभी टैंक यहाँ पर तीन चार बड़े बड़े टेंट्स और लगा देंगे, नीचे उसमें गद्दे लगवा देंगे जिससे कि रात को आदमी उसमें सो सके, पन्नियों में आदमी सो नहीं पाएगा, तो अभी टेंट्स लगवा रहे हैं, शाम तक टेंट्स लग जाएंगे और गद्दे लग जाएंगे जिसमें आदमी सो जाएगा, 100-150 आदमी की सोने की व्यवस्था। ठीक, धन्यवाद भाई सर। राजाखेड़ा विधायक रोहित वोरा से अभी हमने बातचीत करी, उन्होंने सारी स्थिति को यहाँ पर बताया फर्स्ट ट्रैक के माध्यम से, वो खुद यहाँ पर पैनी नज़र बनाए रखे हैं, और यहीं नहीं बल्कि धौलपुर ज़िले की सारी जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं उन पर उनकी निगाहें हैं, धौलपुर जिला कलेक्टर खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस चीज़ को, मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। राजाखेड़ा प्रशासन उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार मंगल, तहसीलदार नार सिंह और SHO खुद यहाँ पर पल पल की अपडेट लेते हुए सारे क्षेत्र की स्थितियों का जायजा लेते हुए ऊपर जो हाई लेवल पर इन चीज़ों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है, आप लोगों के माध्यम से ये कहना है कि इस समय प्रशासन का सहयोग ही हमारी पहली प्राथमिकता है, पानी काफ़ी बढ़ रहा है, पानी का स्तर काफ़ी बढ़ रहा है, और लोगों का प्रशासन का सहयोग करना ही हमारा एक कर्तव्य है। हम अपने कैमरामैन बबलू से कहेंगे, सहयोगी से, यहाँ पर पानी के हालात जाके दिखाएं, पानी कहाँ कितना बड़ा है, कितना स्तर पानी का बढ़ चुका है।